Hey guys, welcome back to my channel. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। So guys, आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। So आज होने वाला है एक प्रोडक्ट का रिव्यू, आपको टाइटल थंबनेल देख के पता लग गया होगा। So आज मैं एक आपके साथ एक कर्लर का रिव्यू करने वाली हूँ। So बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का मैंने कर्लर परचेज किया है अमेजोन से, तो आगे मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। So चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ एक बेल आइकन है उसे भी हिट कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए गाइस, बिना किसी ये है वो कलर जो मैंने मंगवाया है अमेजोन से। सो ये है नोवा का हेयर कर्लिंग आयरन। सो मेरे पास स्ट्रेटनर था लेकिन कर्लर नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा महंगा कर्लर नहीं चाहिए था, मुझे अफोर्डेबल रेंज में चाहिए था कर्लर। तो मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो मुझे फर्स्ट ये वाला दिखा, नोवा का हेयर कर्लर। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा ही अफोर्डेबल था, 230 रुपीज का ये मुझे कर्लर मिला है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी, इसका डेमो करके भी आपको बताऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है, कैसे इसको यूज करना है, वर्क करता भी है कि नहीं करता, कैसे करता है, तो आगे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज अ नोवा हेयर कर्लिंग आयरन। तो आपको ऐसी कुछ पैकेजिंग मिलेगी, तो बाहर की जो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग आती है वो मैंने निकाल दी है, अंदर आपको ऐसा प्रोडक्ट आपका मिलेगा, ठीक है। अंदर से आपका जो प्रोडक्ट है आपको मैं अब दिखाती हूँ, ये ना इसके ऊपर का आता है। सो दिस इज द कलर, ठीक है, आप देख लें, बहुत ही छोटा सा है, क्यूट सा है, आप बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आपको आपके बैग में आराम से आ जाएगा। अगर आप बैग कैरी कर रहे हैं तो उसमें आराम से आ जाएगा। इसके ऊपर ये लगा होता है, ठीक है, ये ऐसे लगा आता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी केबल बहुत ही ज्यादा बड़ी मिलेगी, आप देख लें, वायर बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ठीक है, आप देख लें, और ब्लैक इन कलर में है ये, आप देख लें, बहुत ही ज्यादा वायर इसकी बड़ी है, कैमरे में भी नहीं आ रही इतनी ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर ये है हमारा कलर, आप देख लें, इतना कुछ आपको मिलेगा, छोटू सा है, बहुत ही क्यूट सा है। और यहाँ पर इसका जो लगा हुआ है स्विच, ठीक है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। और इसमें आपको एक चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि इसमें ना आपको हीट जो हमारी हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर आपको लाइट मिलेगी, अगर मैं पीछे आपको लगा के बताऊंगी तो इसमें लाइट भी ये रेड कलर की जलती है। तो आप देख लें, यहाँ पर ये हमारा कलर है, ठीक है, यहाँ पर आपको हेयर को रोल करना है, यहाँ पर आपको रखना है 30 सेकंड के लिए, तो आपके हेयर कर्ल हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वाला तो हेयर कलर नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वाला ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये नहीं है। या अगर आप घर में थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, अपने बालों को रेगुलर थोड़ा सा कर्ल करना चाहते हैं, रेगुलर कौन कर्ल करता है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटा मोटा पार्टी में खुद में हेयर स्टाइल कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कर्ल करना है अपने बालों को, तो आप उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तो मैं नहीं कहूंगी, ये प्रोफेशनल तो नहीं है, ठीक है, काम चलाऊ तो है, ठीक है, इतने कम प्राइस में और आपको क्या मिलेगा। मैं तो पहले मैंने इसको ऑर्डर, मैं सोच रही थी करूं या ना करूं, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, अगर नहीं आया तो रिटर्न कर देती, लेकिन अच्छा आया है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूं। इसके इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको और क्या मिलेगा, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूं। मैंने इसको प्लग इन कर दिया है, आप देख सकते हैं ये भी गर्म हो रहा है, बड़ी जल्दी ये गर्म हो जाता है गाइस, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, 30 सेकंड लेता होगा ऑलमोस्ट, उससे भी कम टाइम में ये गर्म हो जाता है, अभी भी ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज कर सकती हैं अपने बालों में, जरूर यूज करें, क्योंकि हीट से आपके बाल डैमेज होते हैं सबको पता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई, अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, वो भी एज अ हीट प्रोटेक्टर बड़ा अच्छा वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लिया है, एंड यहाँ पर मैं जितने के बालों को कर्ल करूंगी ना उतने बालों पे लगा लूंगी। तो इसे ना अगर आप स्ट्रेटनिंग भी कर रहे हैं ना, तब भी थोड़ा सा लगा ले, एक तो आपके बालों को ये हीट से प्रोटेक्ट करेगा, ऊपर से ना आपके बालों में एक बड़ी अच्छी शाइन आएगी, क्योंकि होता है ना बालों में कुछ रफनेस जी आती है जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल या हीट प्रोटेक्टर लगा लेंगे तो फिर उसके बाद नहीं आएगी,
वो ड्राइनेस वालों में फ्रीजीनेस नहीं होगी, आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे से शाइन करेंगे। यहाँ पर ये आप देखो बड़े बड़े अच्छे से गर्म गर्म हो गया है, तो आप देख लें बिल्कुल भी ये बालों को नहीं उठाता, मतलब जलने की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन जो आप देख लें, काफी बाल को मैंने लिया है, बहुत कम बाल भी नहीं लिए लेकिन काफी लिए हैं, आपको स्ट्रेट करके बताऊंगी इनको मैं। तो इसको आपको ऐसे 30 सेकंड के लिए छोड़ना है। तो गाइज आप देख लें कितने अच्छे से कर्ल किया है इसने मेरे बालों को। तो यहां से मैंने सेक्शन उठाया था और नीचे तक आप देख लें मैंने कर्ल किया है। आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां से रोल किया था बालों को, और आप देख लें कितना अच्छा कर्ल किया है इसने बालों को, कितने अच्छे कर्ल आए हैं गाइज, नॉट बैड, अच्छे हैं, ठीक है। आप देख लें ऐसे कर्ल करेगा आपके बालों को। तो मैं आपको इधर से भी थोड़ा सा कर्ल करके बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं सेक्शन लूंगी यहाँ के बालों का एंड उसमें थोड़ा सा जेल लगाएंगे। तो अब हम इसको कर्ल करेंगे। सो आप देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से कर्ल करता है आपके बालों को। तो एक मैं छोटा सेक्शन भी आपको दिले के बताती हूँ, छोटा सा सेक्शन हम लेंगे। तो आपको ना मैं ऊपर से यहां से कर्ल करके बताती हूँ, यहां से तो ना खुद से कर्लिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, और एक जो लंबे बाल होते हैं ना उनको और भी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। हालांकि मेरे इतने ज्यादा लंबे बाल भी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़े तो हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा कर्ल आया है ऊपर से। एक जब आप खुद से कर्ल करते हैं ना थोड़ा सा झंझट होता है लेकिन आप देख लें नीचे से कितना अच्छा कर्ल है। सो यार गाइस ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कर्ल करता है ये आपके बालों को। तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ता है लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कर्ल कर रही हूँ इससे, क्योंकि मैंने खुद से कभी कर्ल नहीं किए, पहली बार इसको मैं यूज करके मैंने इसको ऑर्डर किया था। मुझे लगा आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए, मुझे अच्छा लगा था, मैंने थोड़ा सा कर्ल करके देखा था लेकिन मैं पहली बार कर्ल कर रही हूँ। तो आप देख लें मुझे इतना आता नहीं कर्ल करना, लेकिन फिर भी अगर आप आई ना कोई भी अगर आप बहुत ज्यादा महंगी मशीन भी यूज करें तो आपके कर्ल्स लूज होना स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए आप ये वाला स्प्रे यूज कर सकते हैं, कोई भी हेयर स्प्रे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला ये मैं यूज करती हूँ गैट्सबाय का, ये एक्सट्रीम होल्डर हेयर स्प्रे है और ये है लेवल 5। इसमें लेवल भी आते हैं आप देख सकते हैं, इसमें मेरा जो लेवल है वो है 5। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेवल आते हैं, जितना ज्यादा लेवल होगा उतना ज्यादा होल्डिंग पावर उसका ज्यादा होगा। सो यार गाइस आप देख लें कितने अच्छे से कर्ल करता है आपके बालों को, और ये वाला हेयर स्प्रे जरूर यूज करना, क्योंकि अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक आपके कर्ल्स को चलाना है, 6 to 7 hours तक आपके कर्ल्स को चलाना है तो आपको इसको स्प्रे को यूज करना। मुझे तो अभी कहीं नहीं जाना, घर पे ही हूँ, आपको डेमो देना था इस प्रोडक्ट का, तो इसलिए मैंने आपको ये कर्ल करके बताया, बाकी तो मैंने इसको अभी खोल देना है। तो आप देख लें अगर आपको लॉन्ग टाइम तक चलाने हैं तो आप ये वाला हेयर स्प्रे यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा हेयर स्प्रे। अगर आप मुझसे अच्छा पूछेंगे तो ये वाला मैं सजेस्ट करूंगी आपको, बाकी आप नोवा का ले सकते हैं, और भी और ब्रांड्स के भी आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। चाहे गाइस ये था मेरा छोटा सा डेमो, आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप परचेज कर लेना। सो यार गाइस मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।